हाय बच्चों, अ वेरी गुड हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई ऑडिबल? हेलो, हाय हाय, हेलो. थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच. सो कैन यू सी मी, हियर मी क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेशन शुरू करें? हाँ, टेल मी, सेशन शुरू करें. चलिए, सो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के. एंड तुम्हें पता है, इस चैप्टर से हर साल एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से तुम्हें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉट एट ऑल. बच्चों, यहां से एक ही तरह के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं. वैसे ही क्वेश्चन तुम्हें बार 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 सॉल्व करने हैं. जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बायो एक्टिव कंपाउंड पे जो क्वेश्चन है, तुमने सॉल्व किए होंगे बायो एक्टिव कंपाउंड पे क्वेश्चन. उन क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही है बच्चों, राइट? उन क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही है. उन क्वेश्चंस में तुम लोग देखोगे, बार बार यही पूछा होगा, कहां से तुम्हें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट मिलेगा, या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या रोल है. दैट्स ऑल इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले, राइट? और कल मैंने तुम लोगों के लिए प्लांट हॉर्मोन्स, क्योंकि सेशन अब्रप्टली एंड हो गया था, सो प्लांट हॉर्मोन्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया है. एक बार चेक कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना, तुम्हें वहां से एक या दो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है? आज शाम को हम लोग गैमिटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, गैमिट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी? और एक वीडियो कल रोड मैप का, पूरे नीट की तैयारी के लिए, वो मैंने पोस्ट किया था, उसको देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे. डन बच्चे? सो शुरू करते हैं आज का सेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम, क्या आप ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले हो, ये क्वेश्चंस वाली? मैं तो कंटिन्यू कर लूंगी, लेकिन क्या तुम बच्चे इसको ढंग से पढ़ पाओगे? हाँ, तुम लोग सिंसियरली पहले क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, बिकॉज दिस टाइम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नहीं नीता, मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वीडियोज वाले सेक्शन में जाके देखो, ठीक है? चलिए, सो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, जल्दी, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ. यस, इट इज वेरी इजी, इट इज द विटामिन B12. तुम्हें पता है, जब तुम लोग मिल्क की बात करते हो, सो मिल्क में हमारे पास कौन सा शुगर है? इट्स अ डाइसेक्राइड, इट्स अ लैक्टोज शुगर. सो होगा क्या, बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेगा. कौन क्या एक्ट करेगा इस पे? बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेगा. कौन सा बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेगा? इस पे लैक्टोबैसिलस ऐड करेगा. कौन सा बैक्टीरिया ऐड करेगा? लैक्टोबैसिलस ऐड करेगा. उसकी वजह से क्या होगा, ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, राइट? और ये लैक्टिक एसिड उसके बाद मिल्क प्रोटीन केसीन पर एक्ट करने वाला है. ये किस पर एक्ट करने वाला है? मिल्क प्रोटीन केसीन पर एक्ट करने वाला है. और वो केसीन क्या हो जाएगा? वो केसीन हो जाएगा क्वैग्यूलेट, राइट? वो केसीन क्या हो जाएगा? क्वैग्यूलेट. समझ रहे हो, कर्ड फॉर्मेशन इस तरह से होता है. सो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि विटामिन 12 इनरिच्ड हो जाता है. सो कई लोगों को जिनको दूध से एलर्जी है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए कर्ड बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि ये मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस है, राइट? विटामिन B12 इज प्रेजेंट है और परनीशियस अनीमिया नहीं होता इसकी वजह से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स द सस्पेंडेड सॉलिड्स? इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट? देखो, सीवेज ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको भी मार्क कर लो. सो इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट में, राइट, सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है? सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब. इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. इसमें क्या होगा? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. इसमें क्या होगा? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, राइट? सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम?
Which of the following is correctly matched with the product produced by them? जल्दी बताओ. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चे. अपनी स्पीड बढ़ाओ और सारे क्वेश्चन के आंसर इसी तरह से करो. जल्दी जल्दी. Tell me, acetobacter acetate, हमें पता है acetic acid, isn't it? Acetic acid, methanobacterium, methane gas, penicillium notatum, यहां से मिलेगा antibiotic, right बच्चे? So obviously, जब saccharomyces cerevisiae आ गया, so ये alcoholic fermentation and the result here will be the ethanol. Result here will be the ethanol. Next question, bache, in gobar gas, the maximum amount is that of. फटाफट answer करो. In gobar gas, the maximum amount is of. Gobar gas को और क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसको? Biogas, isn't it? Cow dung से बनी हुई है ये. So हमें पता है maximum is the methane. So methane भी होगा, carbon dioxide भी होगी, H2 या H2S भी present है. ठीक है? और बनानी कैसे है ये? एनाएरोबिकली. स्पीड बढ़ाओ बच्चे, स्पीड बढ़ाओ, सारे बच्चे स्पीड बढ़ाओ. जैसे जैसे पेपर पास में आएगा स्पीड बढ़ाओ जल्दी. एनाएरोबिकली डन बच्चे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑन द सीवेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज. यस, इनमें से कौन सा प्रोड्यूस होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज? यस, the word is anaerobic activity on sewage, so of course it is marsh gas. yahan methane, yahan tumhari biogas ki baat ho rahi hai. kiski baat ho rahi hai? biogas ki baat ho rahi hai. clear hai? chaliye next question. monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of. monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of. yes, मनेस्कस परप्यूरस ये एक ईस्ट है विच इज यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ. बच्चे यहां से इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. ये सेशन लगा लो, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलने वाले हैं. इन्हीं स्टेटमेंट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाएगा. सो येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो मनेस्कस परप्यूरस इज अ ईस्ट यूज कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ. एग्जैक्टली, सो इट इज द स्टेटिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तुम्हें ऑप्शन दिए जा सकते हैं, राइट बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज. एंडोमाइकोराइजा की बात हो रही है. सारे बच्चे फटाफट स्पीड में आंसर करेंगे क्वेश्चन का. तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए. जल्दी से फटाफट आंसर करो और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो. सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा. माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ये क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट बच्चे? किस किस के बीच में? ट्रीज की रूट्स के बीच में और फंगल हाइफे के बीच में, राइट? ट्रीज की रूट्स के बीच में और फंगल हाइफे के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, राइट? जैसे पाइनस की हम लोग बात करते हैं, पाइन ट्री की हम लोग बात करते हैं, राइट? राइट, डन बच्चे, डन बच्चे. सो वहां पे हम लोग ये चीज पढ़ते हैं तो तुम्हें पता है पाइन ट्री को ग्रो करने के लिए फंगल हाइफे चाहिए ही चाहिए. अगर इसको फंगल हाइफे नहीं मिलेंगे इसकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी नहीं होगी. सो यहां पे एंडोमाइकोराइजा में ये वाला फंगस ग्लोमस इन्वॉल्व है, राइट? ग्लोमस इन्वॉल्व है, ठीक है? अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बाकी a free living nitrogen fixing cyanobacteria which also forms symbiotic association with the water fern azolla is, with the water fern azolla is a free living nitrogen fixing cyanobacteria which also forms symbiotic association with water fern azolla. azolla ka naam aayega to anabina ko yaad rakhna hai, theek hai?
अजोला का नाम याद आएगा, सो एनाबीना को याद रखना है. सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दोनों में से कौन सा वाटर फर्न है और दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, राइट, विच फॉर्म्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न अजोला इज योर एनाबीना. सो एनाबीना इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया अजोला, अजोला इज दैट वाटर फर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्गली मैच्ड, विच इज रॉन्गली मैच्ड, which one here is wrongly matched. Thank you so much Aman for watching all the videos. Start studying properly, all the best. Chaliye, which is wrongly matched? Clostridium butyricum, naam mein hi sab kuch hai, butyric acid, aspergillus niger, right, citric acid, and yes Clostridium butyricum se tumhara lactic acid bhi milega. Acetobacter ACT, acetic acid. ईस्ट से स्टेटिन, नो. ईस्ट से हमें क्या मिलेगी, अल्कोहल, इथेनॉल. सो यस, यहाँ पर ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड भी और लैक्टिक एसिड भी सही. ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके 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 ओके, ठीक है, माय बैड. सो बच्चे यहाँ पर ये जो तुम्हारा मोनेस्कस, मोनेस्कस परप्यूरस है, मोनेस्कस परप्यूरस है, यस, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईस्ट, इसीलिए यहाँ पर ये सही है. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से आई वॉज राइट, ब्यूटायरिक एसिड है. लेकिन यस, हमारे पास कई ऐसे, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक, राइट, जहाँ किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से तुम्हें एक से ज़्यादा चीज़ें भी मिलती. बट ठीक है, लेट्स गो एज पर द एनसीईआरटी. सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मार्क करेंगे, ठीक है. Next, CO2 is not released in which of the following processes? CO2 is not released in which of the following processes? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट. CO2 is not released in which of the following processes? Yes. ऑब्वियसली बात है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में. एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तुम्हारे दो पाइरुवेट को, राइट, हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इस पे एक्ट करती है. सो हमारे पास पाइरुवेट से लैक्टेट आएगा प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी. बट इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें पता है इथेनॉल के साथ साथ, क्योंकि ये टू स्टेप प्रोसेस है, राइट, इथेनॉल के साथ साथ CO2 भी मिलेगा, राइट. सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली टू स्टेप्स है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में एक ही स्टेप है. तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड जो तुम्हारी मसल्स में फेटीग भी करता है. सो यहाँ पर जो दो स्टेप्स है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन. सो डीकार्बोक्सिलेशन मेंशनड है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, CO2 रिलीज होगा ही होगा. और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, क्रैब साइकिल के बाद क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द सीवेज वाटर, इन विच स्टेज माइक्रोब इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर, कौन सी स्टेज में, गाइज बी क्विक. Tell me. Exactly. Secondary treatment, जिसको हम लोग biological treatment भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग biological treatment भी कहते हैं. What is the meaning of high value of BOD, biochemical oxygen demand या biological oxygen demand? बच्चे high BOD का क्या मतलब है, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है उसका क्या मतलब है, जल्दी 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 जल्दी. एग्जैक्टली यहां पर करेक्ट आंसर आएगा कि वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड. देखो बच्चे होता क्या है कि जब एक पानी में, राइट, वाटर में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर में क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हमारे पास बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में. लेट्स से पहली चीज तो ये,
बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, द वेरी फर्स्ट थिंग. अब क्या होगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना है, राइट. डीकम्पोज करने के लिए जो एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, राइट, दे विल डिमांड ऑक्सीजन. सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. वॉट इज इट? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम विच इज रिक्वायर्ड बाई द एरोबिक बैक्टीरिया टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डीकम्पोज करने के लिए जो डिमांड है ऑक्सीजन का, उसको हम लोग बीओडी कहते हैं. जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा बीओडी बढ़ेगी. उतनी ज़्यादा बीओडी मतलब हाई बीओडी मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर. ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब पानी उतना ज़्यादा गंदा, राइट. समझ रहे हो? दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट. सो विच इज द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट वुड यू सेलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल? बायो इथेनॉल, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आंसर करो. Which of the following species of plants would you select for the production of ethanol, bioethanol? So, यहाँ पर आएगा बच्चे, zimaze आएगा, yes, yes. Which of the following plant species, which of the following plant species, जल्दी, जल्दी. Bioethanol is the word. Bioethanol is the word. Right? So, तुम्हें क्या लगता है? Zimaze आएगा? Zimaze आएगा? नहीं, नहीं, नहीं. Zimaze से हमने कब पढ़ा? Jatropha नहीं होना चाहिए. Jatropha नहीं होना चाहिए इसमें. जल्दी. Out of question है, लेकिन ये question पूछा जा सकता है. Bioethanol की बात हो रही है. क्या answer होना चाहिए इसमें? क्या Jatropha या क्या? कोई आंसर कर सकता है? जल्दी, क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए यहां पर? किसी को कोई कोई एक्सप्लेनेशन? देखो सीधी सी बात है बच्चे, यहां पर ना ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है. देखो यहां पर मैं तुम्हें बहुत सिंपल से तरीके से बताती हूँ. देखो Zimaze हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कौन आ गया ये. अब तुम्हें पता है इट इज़ ग्लूकोज एनरिच्ड. तुम्हें नहीं पता, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है. जब हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं, राइट, दैट इज़ एल्कोहल. सो अल्टीमेटली तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट चाहिए. कार्बोहाइड्रेट. तुम्हें पता है रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप यही है, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के हम लोग 2 पाइरूवेट बनाते हैं, इज़न्ट इट? हम लोग 2 पाइरूवेट बनाते हैं. अब ये जो 2 पाइरूवेट हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, सो ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर फर्मेंटेशन, इजंट इट? दे विल गो फॉर फर्मेंटेशन, राइट. व्हाट विल दे डू? दे विल गो फॉर फर्मेंटेशन, ऑफ कोर्स. सो अगर मैं यहाँ पर Zimaze की बात करूँ, क्योंकि बायो इथेनॉल लिखा है, सो ये ऑलरेडी ग्लूकोज एनरिच्ड है. और तुम्हें पता है कि फूड हमारे लिए एक फूड है. सो कई जगहों पे जहाँ पे इसका एक्सेस में ग्रो करते हैं, सो वहाँ पे इसको बायोइथेनॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरा Jatropha. अब Jatropha वर्ड अगर तुमने नहीं सुना तो लेट मी टेल यू, इससे हमें मिलता है बायोफ्यूल. ये इम्पॉर्टेंट है. Jatropha के बारे में लिख लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए. मुझे याद है मैंने 11th और 12th पे इस पे एक प्रोजेक्ट किया था. इसको बायोफ्यूल कहते हैं. बायोफ्यूल, यस. इस प्लांट से हम लोग फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इट इज द बायोफ्यूल. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ए. अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ बायो फॉर प्लांट डिजीज. जल्दी, अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस.
ठीक है, सो यस इट इज द ट्राइकोडर्मा, इट इज द ट्राइकोडर्मा. ठीक है, और बच्चे यहां वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि यहां पर ना, वैसे तो बायो इथेनॉल को प्रोडक्शन के लिए हमें ऐसा ही क्रॉप चाहिए, ऐसा ही क्रॉप चाहिए जो कि ग्लूकोज एनरिच्ड है, जिसमें जीमेज एक करेक्ट एग्जांपल है. लेकिन बच्चे उसके साथ ये भी है कि जीमेज हम लोग फूड के लिए भी यूज करते हैं. सो यस, यहाँ पर जेट्रोपा भी करेक्ट आंसर है, जेट्रोपा भी करेक्ट आंसर है. नो डाउट ये बायोफ्यूल की तरह यूज होता है, लेकिन इसको क्योंकि ये फूड का सोर्स नहीं है, फूड में यूज नहीं होता, सो हम लोग इसको जेट्रोपा से भी बायो इथेनॉल बना सकते हैं. सो यस, तुम लोग अपना ये आंसर मार्क कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग जेट्रोपा लिख सकते हो. राइट. और ऐसा किया जाता है कि जेट्रोपा और जीमेज को भी मिक्स कर दिया जाता है फॉर द बायो इथेनॉल फॉर्मेशन. इस क्वेश्चन में मुझे हाँ आया था यहाँ पे डाउट. ठीक है. सो जेट्रोपा तुम लोग मार्क कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस तभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जेट्रोपा तुम लोग मार्क कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि जीमेज गलत है, जीमेज से बायो इथेनॉल बनता है, ये आंसर सही है, जीमेज से बायो इथेनॉल बनता है, बट जीमेज को हम लोग फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा जरूर यूज़ करते हैं जीमेज को हम लोग फूड के लिए. कार्बन का ग्लूकोज का सोर्स डेफिनेटली ये है. सो जेट्रोपा जो कि एक बायोफ्यूल है, फूड के लिए यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें जिस तरह के इसमें जैसे अनिका लिख भी रही है कि एस्टर्स बहुत ज़्यादा है, मिथाइल एस्टर्स बहुत ज़्यादा है, सो उसकी वजह से ये बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है. सो मोर एक्यूरेटली अगर तुम मुझसे पूछो, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जेट्रोपा. ठीक है. सो अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, राइट, बायो कंट्रोल एजेंट, बिल्कुल सही, दिस इज द ट्राइकोडर्मा विच इज अ फंगस, राइट. रूट बॉर्न पैथोजेंस को ये ग्रो नहीं करने देती, रूट बॉर्न पैथोजेंस को ये ग्रो नहीं करने देती. विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें से बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, इसमें से बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे आ जाएगा अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये दोनों. ठीक है जी, नेक्स्ट. ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये दोनों. और यहां पर नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी स्लज यूज्ड फॉर, याद है ना, प्राइमरी स्लज कब बनेगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट से. सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो गई, फिर सेडिमेंटेशन, फिर ये जब सेडिमेंट जो बना है इसको हमने कहा है बच्चे प्राइमरी स्लज. मैंने ये तुम्हें अभी जो रिसेंटली मैराथन सेशंस लिए हैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है. सो इसको हम लैंड फिल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यस बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ हो सकता है. लैंड फिल, कंपोस्ट, किसी भी तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोगैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. यू ऑलरेडी नो द आंसर, इजंट इट, अभी डिस्कस किया है हमने. डन बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर. बहुत रिपीटेड सा क्वेश्चन है ये हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी तो ये वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग. नहीं, कि विच इज यूज टू कंट्रोल द पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, That is the bacillus thuringiensis. What is it? It is the bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है, लेकिन नॉर्मली इसके स्पोर्स के सैशे मार्केट में मिलते हैं, पानी में हमने मिक्स किया, स्प्रे बना लिया, पूरे क्रॉप फील्ड पे स्प्रे कर दिया, सो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. और तुम इसका लॉजिक जानते हो,
क्योंकि इसके पास एक जीन प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटोटॉक्सिन बनाएगा, और उस प्रोटोटॉक्सिन को जब ये बटरफ्लाई का कैटरपिलर इंजेस्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये सोल्युबलाइज हो जाएगा, एल्केलाइन पीएच, बेसिक पीएच से एक्टिव हो जाएगा, उसके मिडगट एपिथीलियल के साथ जुड़ेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, राइट, एक तरह से स्टारवेशन से ही कैटरपिलर मर जाएगा, बिल्कुल सही, क्राइजीन है। और भी अलग अलग तरह के इनके पास जीन्स रहते हैं, हम लोग क्राइजीन की मेनली बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, माइक्रोबियल कॉलोनीज, यस माइक्रोबियल कॉलोनीज, अमन बच्चे जल्दी ही क्लासेस शुरू होंगी, अभी नीट 2023 वालों के लिए कर लें, तुम्हारे लिए कल एक रोड मैप का सेशन लगाया है वो देखो, तुम्हारे लिए ब्रिज कोर्स जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, प्लीज़ डू नॉट स्पैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट स्पैम। सो माइक्रोबियल कॉलोनीज, माइक्रोबियल कॉलोनीज, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, दे कैन ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम एंड यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल सही, राइट, माइक्रोब्स की स्टडी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड अगर देखो कॉलोनीज, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपरली, लेकिन अगर बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी कॉलोनीज है, नॉट एग्जैक्टली दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन हाँ तुम लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पर अरे कुछ चीज़ है, यहाँ पर कुछ चीज़ है, इस तरह से तुम लोग ये चीज़ें देख भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ लैब इन आवर स्टमक, ये अभी डिस्कस भी किया ना हमने, what is the beneficial role of lab in our stomach, what is the beneficial role of lab in our stomach, jaldi fatafat answer kijiye, causing soaring of milk by decreasing nutritional quality, increasing the amount of vitamin D, checks disease causing microorganism, or it produces alkali which coagulate, alkali to wo bilkul nahi hai, and yes it checks the disease causing microorganism, right, ye bhi NCERT ki line hai. Chaliye next question bache, identify the colonies labeled as A and B, achha chalo karo zara try, karo zara try, जल्दी जल्दी बच्चे, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ए तो डेफिनेटली बैक्टीरियल है, उसी से सारी क्लैरिटी हो जाएगी, और बी आ गई तुम्हारी फंगल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, द वर्ड इज स्विस चीज, कौन से वाला चीज है ये, ये जेरी वाला चीज है, जेरी वाला चीज है जिसमें क्या है, होल्स तक बने हुए हैं, वो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सो इसका आंसर हो गया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, और ये जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है ये रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए यूज होता है, कौन से चीज के लिए, रॉकफोर्ट चीज के लिए, और ये एक तरह से फंगल मोल्ड से बना है, राइट, इसको हम लोग ब्लू चीज भी कहते हैं, ब्लू चीज भी कहते हैं। सो फॉर स्विस चीज इट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, इंपॉर्टेंट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक फॉर द सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। बच्चे अभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज पर स्टेटमेंट है, यहाँ लिखा है बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये कंफ्यूज कर दे, चेंज कर दे ये वर्ड, पाम की जगह कुछ और लिख दे। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एंड यस इट इज टोडी, सदरन पार्ट में रहता है, इट इज टोडी, डन। नेक्स्ट, ब्रूअर्स ईस्ट इज यूज फॉर ए एंड ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस डैश। हाँ जी इजी है ये भी बहुत इजी है, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी 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 आंसर करो, क्विक 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 ऑल ऑफ यू, यस व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, यस सो ऑब्वियसली ब्रूअर्स ईस्ट को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ताकि क्या बन सके, अल्कोहल, और जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है CO2 भी रिलीज होती है,
CO2 भी रिलीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाई डैश वाइल वर्किंग ऑन डैश. फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाई डैश वाइल वर्किंग ऑन डैश. यस, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. राइट, ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकॉकस. राइट, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस. नेक्स्ट, फाइंड द वन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज. कौन से वाला डिस्टिल्ड है? और तुम्हें पता ना, जो डिस्टिल्ड है उसमें एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. कौन सा डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज है, इसमें एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा तुम्हारा बियर हो जाएगा. डिस्टिल्ड, क्या बियर डिस्टिल्ड है? हाँ जी, फटाफट बताना, सीरियसली क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. इज इट सो? फाइंड द वन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस. क्या तुम्हारे बियर एक डिस्टिल्ड ड्रिंक है? जल्दी जल्दी, बियर इज इट डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड? तो यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर? इज इट डी और बी? क्या होना चाहिए? अनडिस्टिल्ड होना चाहिए ना? एग्जैक्टली, अनडिस्टिल्ड इज इवन ब्रेंडी. ठीक है, सो ये अनडिस्टिल्ड है, अनडिस्टिल्ड है, इवन ब्रेंडी भी. सो यहां पर ये आंसर गलत मार्क्ड है. नहीं, ये आंसर गलत मार्क्ड है. एग्जैक्टली, सो ये यहां पर सही नहीं है. सो फटाफट एक बार चैट सेक्शन में लिखो कि कौन कौन से तुम्हारे डिस्टिल्ड बेवरेजेस है, कौन कौन से अनडिस्टिल्ड. क्वेश्चन यहाँ पे आता है. और जब हम लोग डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं बच्चे, सो वहाँ पर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू द डिस्टिल्ड बेवरेजेस. अनडिस्टिल्ड में कम है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अनेका. सो यहाँ पर ये जो बियर है, या तो ये क्वेश्चन होता कि अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस कौन से हैं, तब बियर बिल्कुल सही आंसर होता. ठीक है, ठीक है. सो ये आंसर गलत मार्क्ड है. वेरी गुड, डिस्टिलेशन में हमारे पास आ जाएगा. हाँ जी, सो रम, ब्रांडी, विस्की, ये सब डिस्टिल्ड है. ठीक है, चलिए. सो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ पेनिसिलिन वॉज डन बाय कमर्शियल एक्सट्रैक्शन. सो ऑब्वियसली अगेन मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाई चांस डिस्कवरी कर दी थी. राइट, लेकिन उसके बाद चीन, हॉवर्ड फ्लोरे, राइट, इन्होंने क्या किया था? उसका थेरेपेटिक जो पोटेंशियल था एंटीबायोटिक्स का, वो इन्होंने जाना था. तो जब कमर्शियल एक्सट्रैक्शन की बारी आती है, तो सिर्फ हम फ्लेमिंग का नाम कंसिडर नहीं करते, चेन एंड फ्लोरे इन्हें याद किया जाता है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the correct statement with reference to the antibiotics. जल्दी बताओ, क्विक, जल्दी 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 आंसर करो बच्चे. तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारे? सही है. सो क्या यहां पे वर्ल्ड वॉर वन होना चाहिए या टू? वर्ल्ड वॉर वन होना चाहिए या टू? कौन सा वर्ल्ड वॉर होना चाहिए, वन और टू? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, वर्ल्ड वॉर वन या टू? देखा, ये छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा गलती करवा देती है. तुम लोग यही चीजें ध्यान से पढ़ते नहीं हो.
और इसी के लिए तुम्हें लगता है कि पेपर तो इजी था लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए. देखा, ये छोटी सी मिस्टेक थी, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है. सो तुम्हारे नीट के फाइनल पेपर में एक एक वर्ड चेंज हो सकता है, एक एक स्टेटमेंट चेंज हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. डैश आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. हाँ जी, सो सबसे बेस्ट कौन सा है? लाइपेज़, है ना, दाग अच्छे हैं. सो सेलेक्ट द माइक्रो विच इज द सोर्स ऑफ क्लॉट बस्टर एंजाइम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दिया जाता है. क्लॉट बस्टर कौन सा होगा? क्लॉट बस्टर. सो ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरियम से मिला हुआ स्ट्रेप्टोकॉकस, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं. दैट इज द क्लॉट बस्टर बेसिकली. स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द क्लॉट बस्टर बेसिकली. डन. सो नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम वन विद कॉलम टू. ईजी है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं. एस्परजिलस नाइजर और ऐसे ही MCQ रिपीट होने हैं इस चैप्टर से, कुछ भी अलग नहीं आने वाला. ये वाला सेशन लगा लो, तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने हैं यहाँ से. सो एस्परजिलस नाइजर में मेरे पास क्या आ जाता है? सिट्रिक एसिड. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम में ब्यूटायरिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटाए में एसिटिक एसिड. लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बस ठीक है, अपने को मिल गया करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट, डैश एंजाइम इज यूज टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन डैश लीडिंग टू द हार्ट अटैक. अभी बताया ना, जस्ट अभी बताया तुम्हें मैंने इसका आंसर. सो ये आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक. चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज. यस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज. जल्दी, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये. आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज. क्विक, इट इज सी. पहले हेड है, फिर कॉलर आया, फिर टेल आया और फिर प्लेट्स आए. नेक्स्ट, एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर कौन सा इम्यून सिस्टम? CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसके पास टी सेल्स हैं, ये एक्टिव होता है. सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है. सो द आंसर हियर इज साइक्लोस्पोरिन ए. सो कैन यू टेल मी ये साइक्लोस्पोरिन किससे मिलेगा? कैन यू टेल मी कि साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलेगा? ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला है. सो जल्दी से बताओ, तुम्हें साइक्लोस्पोरिन किससे मिलने वाला है? किससे मिलने वाला है? वेरी गुड अनिका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. डन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है. कौन सा? कौन सा माइक्रोब प्रोटीन बनाने के लिए ही यूज होता है? कौन सा माइक्रोब? हाँ, प्रोटीन से ही बना होता है. मैं बोल रही हूँ प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है, प्रोटीन से ही बना होता है. प्रायोन्स. और ये एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है. ठीक है जी, ये क्या है? ये एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है. बहुत सारी डिजीजेस करता है, ब्रेन में अबनॉर्मैलिटी तक कर देगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबायोटिक इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबायोटिक इज फॉल्स? जल्दी, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? जल्दी, गलत पूछा है. सो गलत में आ जाएगा डी.
कि ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म, ऐसा नहीं है, ये बाकी के बैक्टीरियाज को भी इफेक्ट कर सकती है. डन बच्चे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज पेनिसिलिन इनहिबिट बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन? ऐसे क्या काम करती है वो? व्हाई डज पेनिसिलिन इनहिबिट बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार लेक्चर्स में भी बोला है कि लाइसोजाइम कैसे एक्ट करती है, पेनिसिलिन कैसे एक्ट करती है, एक बार पढ़ना. सो ये क्या है? इट इनहिबिट्स द सेल वॉल फॉर्मेशन. एक सेल वॉल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी, एक उसका फॉर्मेशन नहीं होने देगी. सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करेगा, कैसे आगे ग्रो करेगा. इसीलिए ये जो पेनिसिलिन है और ये जो लाइसोजाइम है, ये तुम्हारे माइकोबैक्टीरिया पर कोई असर नहीं कर पाती. याद है माइकोबैक्टीरिया याद है? माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल. क्या है ये? एक ऐसा बैक्टीरिया है विच इज विदाउट सेल वॉल, सो उन पे ये असर नहीं करेंगी. सो हाउ कैन एनिमल एक्सक्रीटा एंड द ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द किचन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली मिनिमाइज्ड? हाउ कैन एनिमल एक्सक्रीटा एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द किचन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली मिनिमाइज्ड? स्टोरिंग देम इन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, यूजिंग देम फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, वर्मिकल्चर, यूजिंग देम डायरेक्टली एज बायो फर्टिलाइजर. सो सबसे ज़्यादा एफिशियंट तरीका होगा बायोगैस बनाने के लिए, क्योंकि भाई फ्लेमेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको. डन बच्चे. हाउस होल्ड में लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? कॉलम वन एंड कॉलम टू. बहुत हाँ, कॉलम वन ये इस तरफ वाला, कॉलम टू उसका, कौन से वाला करेक्टली मैच्ड है? हाँ जी, कौन से वाला? बिल्कुल सही, इट्स CN3. बेसिलस थियोरिनजेनेसिस से क्राई प्रोटीन बनता है. जीन को हम लिखते हैं इस तरह से इटैलिक्स में और सारे अल्फाबेट स्मॉल, और जब प्रोटीन आता है फर्स्ट कैपिटल, ये इस तरह से लिखना है नॉमनक्लेचर में. डन बच्चे. क्राई प्रोटीन, क्राई जीन, क्राई प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन अगेन. हाँ जी, इजी है बच्चे, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो. यस, क्या होगा आंसर? जी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी. देखो इकोलाई तो देख के ही पता लग रहा था. इकोलाई क्या करता है? ह्यूमन इंसुलिन बनाने में हम लोग यूज करते हैं. यस, हमें पता है. उसके अलावा रही जोबियम, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, वहां पे निफ जीन को डिस्कस करते हैं. अगर तुम्हें ये नहीं भी पता कोई बात नहीं, तुम बेसिलस थियोरिनजेनेसिस देखोगे. सो सी विद फाइव हमारे पास आ जाएगा. राइट, सो हाँ, यहाँ बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब तुम लोग स्यूडोमोनास पुटीदा की बात करते हो बच्चे, सो ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल. सो है बेसिकली एनसीईआरटी है, सो ये इंपॉर्टेंट है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन पेडी फील्ड वॉट इज अ कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर? इसमें से कौन से वाला एक कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर है? नाइट्रोजन फिक्सर पेडी फील्ड, ऑफकोर्स इट इज एजोस्पाइरिलम. बच्चे क्वेश्चन यहीं से और इसी तरह के आने हैं, सो प्लीज इन क्वेश्चंस को सीरियसली लो और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो. सो व्हाट मेक्स द बिग होल्स इन द स्विस चीज? स्पीड अप, जल्दी से. व्हाट मेक्स द बिग होल्स इन द स्विस चीज? बच्चे वर्मी कंपोस्टिंग होना चाहिए जशनप्रीत, यहां पर वर्मी कल्चर नहीं. So,
तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन. सो ये तुम्हारा सीबीएसई का भी नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है जी, फेवरेट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, एक्टिवेटेड स्लज शुड सेटल क्विकली सो दैट इट कैन. क्या करते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज से, क्या करते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज से? याद है ना एक्टिवेटेड स्लज कब बनता है? एरोबिक, जब एरोबिक डाइजेशन होके हटती है. एरोबिक डाइजेशन का रिजल्ट है एक्टिवेटेड स्लज. सो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको दोबारा से, इस एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया है, फ्लॉक्स है, हम लोग दोबारा इसको एज एन इनोक्यूलम यूज करते हैं. करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ. सो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग इसको पंप बैक करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक से इरेशन टैंक में, क्योंकि वहाँ पर ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इनोक्यूलम की तरह रहेगा. वहाँ पर हमें कुछ बैक्टीरिया का, फंगस का सोर्स मिल गया तो वो वहाँ डिवाइड कर लेंगे. सो इट इज़ द ए विच इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इट इज़ डिस्कार्डेड एंड नो ऐसा नहीं है. एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड नहीं, इनोक्यूलम की तरह यूज करेंगे. और उसके बाद जैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है व्हेन शुड सेटल क्विकली सो दैट इट कैन. नेक्स्ट, माइकोराइजा डू नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन व्हाट. माइकोराइजा डू नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन व्हाट. डू नॉट हेल्प, डू नॉट हेल्प. सो ऑब्वियसली ये, हाँ देखो, टॉलरेंस बढ़ाएगा, फॉस्फोरस अपटेक बढ़ाएगा, बिल्कुल टॉलरेंस बढ़ाएगा सूखे के लिए, रूट पैथोजन से रेजिस्टेंस, लेकिन इंसेक्ट से प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट नहीं करने वाला. नेक्स्ट, स्लज जनरेटेड ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैन बी ट्रीटेड बाय. स्लज तो खैर, हाँ चलो आगे. हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट बच्चे. ऑब्वियसली एनाएरोबिक डाइजेस्टर में, देखो एक्टिवेटेड स्लज तो खुद स्लज है. इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्लज जनरेट हुई है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, उसका हम क्या करते हैं, उसको एनाएरोबिकली डाइजेस्ट किया जाता है, जहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है, बचे हुए को हम लोग एज मेन्योर भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर हियर. दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी. राइट, ए एंड बी. सो ड्रग्स फॉर पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद डैश आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ डैश. ओके, व्हिच इज वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द टू ब्लैंक्स. जल्दी, क्या होना चाहिए बच्चे? यहाँ पर सारे ऑप्शंस में से ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, सो यस वी नीड अ ड्रग दैट वी नीड टू आइसोलेट फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. और उस ड्रग का क्या नाम है? वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, उसका नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए. राइट, साइक्लोस्पोरिन ए, that is cyclosporin A. Next question, what do the guts of cows and buffalo possess? What do the guts of cows and buffaloes possess? मीथेनोजेंस, तभी इनका डंग एक अच्छा सोर्स है इस एनाएरोबिक बैक्टीरिया का. डन बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग द सोयाबीन क्रॉप्स. बायो फर्टिलाइजर्स की तरह सोयाबीन क्रॉप में किसको यूज करते हैं? सोयाबीन किसकी एग्जाम्पल आ गई? तुम्हारे लेग्यूम्स की. सो उसके रूट नोड्यूल्स में क्या है? रिजोबियम. क्या है? रिजोबियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is an aquatic fern that is also an excellent biofertilizer? अभी डिस्कस किया था अजोला. किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा? एना बीना के साथ. क्लियर है? सो इन आर कंट्री, इन एडिशन टू डंग, विच वीड इज रिकमेंडेड फॉर एक्सटेंसिव यूज इन
biogas production. In addition to dung, which weed is recommended for extensive use in biogas production? हाँ जी, डंग के अलावा कौन सी वीड? सो ये है तुम्हारी इकोमिया क्रेसिपस निया. ये थोड़ा तुम्हें लग नहीं रहा कुछ कुछ दिक्कत इसके साथ भी? हाँ ये इकोमिया होना चाहिए, एकोर्निया होना चाहिए, है ना? एकोर्निया क्रेसिपस. चलिए, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा पर्सनल टेलीग्राम लव बायोलॉजी बाय अंबिका भी, ऑफिशियल टेलीग्राम भी, तुम्हें पीडीएफ वहाँ पे और सारे अपडेट्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे. सो आज शाम में हम लोग नियर अबाउट 9 बजे, हाँ ये टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज होगा, आज हम लोग गैमीटोजेनेसिस को प्रैक्टिस करने वाले हैं. किसको प्रैक्टिस, हाँ किसको, किसकी थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं? गैमीटोजेनेसिस की. वो चाहे तुम्हारी ऊजेनेसिस हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, हम दोनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है जी. सो इसका एमसीक्यू का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तब तक के लिए तुम लोग इसको ठीक है रिवाइज कर लेना. सो थैंक यू सो मच, शाम में मिलते हैं.